महाकाल ने तथागत बुद्ध को नमन करते हुए पूज्य बनते हुए वंदनी करते हुए और संघ में सभी लोगों को नमो बुद्धाय जयवीर। सभी के लिए दुख की घड़ी है क्योंकि मुरादनगर के अंदर एक चेहरा चमका था प्रोफेसर रमेश गौतम, तो इस मंजिल तक पहुंचना आम आदमी के बस की नहीं होता है। हम बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, आबादी भी काफ़ी है, लेकिन इस मुकाम तक हासिल करना इस परिस्थिति में कि जो परिस्थिति यहाँ परिवार की रही है, क्योंकि मैं इस परिवार से जो है 2013 से जुड़ रहा हूँ, जब हमने परम पूज्य बाबा साहब का मूवमेंट इस मुरादनगर के अंदर खड़ा करा, तो सबसे पहले जो स्पीच थी वो प्रोफेसर साहब की ही थी मुरादनगर में, और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें एक दीप से दीप जलाने वाले, मार्ग दर्शक करने वाले मुरादनगर के अंदर दूसरा कोई हमारी विचारधारा का व्यक्ति है। तो दुख की घड़ी है और दुख की घड़ी में हम ज़्यादा तो कुछ नहीं संवेदना अपने प्रकट करते हैं, क्योंकि झटका तो बहुत तेज लगा था, क्योंकि अम्बेडकरवादी होना और बुद्धिस्ट होना एक आम आदमी के बस की नहीं है। ये बहुत कठोर व्यक्ति होते हैं जो समाज को बदलने की परिस्थिति में रखते हैं अपने विचारों को। यहाँ भी जाएंगे वो फूल ही बखेरेंगे, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, गरीब हो, अमीर हो, कम पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हो, जितना भी कदम उन पर चलेगा वो फूल बखेरने के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए बढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे साथी मुरादनगर में, मोदनगर में, गाजियाबाद में, चारों ओर काम कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि समाज का परिवर्तन हमें करना बहुत जरूरी है। साहब ने जो है PhD भी करी थी, और फिर मैं जब 2 अप्रैल जेल में गया था तो मुझे सम्मानित भी करा था आप सब लोगों के सामने। तो मैं तो सारी ज़िंदगी इनको नमन करूँगा, क्योंकि मेरा मार्गदर्शन भी करते रहे हैं। जब भी मुझे किसी चीज़ की जो नॉलेज लेनी होती थी तो मुझे फ़ोन करना, मेरा फ़ोन चाहे रात के 12 बजे भी जाओ तो मेरा फ़ोन अटेंड बनारस में ही वो होता था। कई लोगों की मदद भी मैंने उधर करवाई थी, वो बहुत सारे बच्चे बोलते थे ये हमारे आपके प्रोफेसर हैं, उधर एडमिशन में आप करवाओ मदद, मतलब उनसे आप संपर्क करो। तो ज़्यादा ना कहते हुए नमन करूँगा और आप सभी लोगों से चाहूँगा कि आप भगवान बुद्ध और बाबा साहब की जो भी विचारधारा है, जो साहब की विचारधारा है, उसे बढ़ाने का प्रयास करें, जितना जितना कदम, जितने जितनी शक्ति हो। नमो बुद्धाय, जय भीम। अब मैं इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं रमेश गौतम जी के सम्मान में एक बात जरूर कहूँगा। जैसे ताऊ जी ने भी कहा हमारे कि व्यक्ति पैदा होता है, व्यक्ति पैदा होता है और उन्नति भी करता है, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठित भी हो जाता है, लेकिन वो सामाजिक नहीं हो पाता है। जब समाज में ऐसे लोग जाते हैं बहुत बड़े बड़े पद पर, रमेश गौतम जी सही बड़े पद पर हमारे समाज के लोग बैठे हैं, लेकिन उनकी समाज में कोई गिनती नहीं है क्योंकि वो सामाजिक नहीं है। लेकिन जब रमेश गौतम जी जैसे व्यक्ति निचले स्तर से एक अच्छे पोजीशन में पहुंचते हैं, और पहुंचते नहीं है समाज के साथ में चलते हैं, बाबा साहब के मिशन को लेकर चलते हैं, तथागत बुद्ध के मिशन को लेकर चलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का वहाँ तक पहुंचना दुर्लभ है। और ऐसा व्यक्ति जब रास्ता छोड़ हमारे बीच में रास्ता छोड़ के जाता है तो वो बड़े बड़े दुख का कारण है, क्योंकि समाज में एक मिशनरी होना वो बहुत बड़ा काम है और गिनती के लोग मिशन नहीं हो पाते हैं। उन सब में रमेश गौतम जी हमारे बीच में रहे, जिन्होंने अपना आप को इतने ऊंचे कद का बनाया, पद प्रतिष्ठा से तो बनाया लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा में भी इतने ऊंचाई पर लेके गए हुए अपने आप को कि उनका इस क्षेत्र में कोई दूसरा सानी नहीं है। हमें बड़ा फख्र था कि हमारे एक ऐसे मित्र हैं जो न केवल अपने ज्ञान के बल पर, अपने पद प्रतिष्ठा के बल पर हमें दिशा दे रहे हैं, बल्कि सामाजिक रूप से इतने मजबूत, इतने दृढ़ निश्चय कि वो उसमें भी एक ऐसी भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक कि उनका PhD का जो वर्क रहा वो गुरु रविदास जी के ऊपर था, और गुरु रविदास जी के बारे में मेरे ख्याल में इस क्षेत्र में अगर कोई बेहतर बोल सकता था, बेहतर जानकारी दे सकते थे, तो वो डॉक्टर रमेश गौतम थे। मैं उनका बहुत बहुत जो है नमन करता हूँ, हृदय की गहराइयों से उन्हें अपनी आदरांजलि अर्पित करता हूँ, और बस यही कहना चाहता हूँ
कि अगर हम कुछ कर सकते हैं अपनी पीढ़ियों के लिए तो हमें ऐसे ही लोगों का अनुसरण करना चाहिए। रमेश गौतम जी जैसे जवानों का अनुसरण करेंगे हम तो हम अपनी अगली पीढ़ी को न केवल अच्छा बना पाएंगे, समाज के लिए एक मजबूती दे पाएंगे। बहुत बहुत नमन, सादर नमन। मैं भंते जी से निवेदन करता हूँ सब लोग। सभी को जय भी नमस्कार। ये बहुत दुख की घड़ी है और दुख जब होता है तो हमें वास्तव में उसको स्वीकार भी करना चाहिए। हमारे बीच में हमारा बहुत नज़दीकी और तेजस्वी ऊर्जावान व्यक्ति हमारे मित्र बीच में आज नहीं है, लेकिन उनका जो अनुभव हमें मिला है, उनके जो हम साथ रहे वो चीज़ें हमारे साथ हैं। ये कार्यक्रम शायद होता भी इसीलिए है कि पुण्य अनुमोदन के उनके जो कार्य हैं उनको हम अच्छे से देखें। मेरा जैसा अभी रविंद्र भाई साहब बोल रहे थे कि 2013 से जैसे हमने मूवमेंट यहाँ शुरू किया था, उस मूवमेंट से ही मैं भी उनके संपर्क में आया और जैसे ही मैं उनसे पहली बार मिला मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली समाज में काम करने की और चीज़ों को आगे समझने की। उनका समाज के प्रति जो चिंतन था, जैसे बाबा साहब ने जो समस्याएँ थी उनको देखा, लेकिन बाबा साहब हमसे बहुत दूर हैं, हमने उनको देखा नहीं, लेकिन प्रोफेसर साहब को उनको हमने अपने नज़दीक से देखा। उनका जो वो प्रेरणा थी, चिंतन था समाज के प्रति, वो हमने उनके मुख से सुना, उनको काम करते देखा। तो वो जैसे हम अभी हमारे सामने चित्र रखा है भगवान बुद्ध का, बाबा साहब का, वो हमारे लिए उच्च आदर्श है। लेकिन अगर हम अपने पास में वो चीज़ें जो हम अपनाना चाहते हैं जीवन में, जो एकदम प्राकृतिक कि मतलब क्या करें एक्शन में, तो वो हमने उनके व्यवहार में उनके आचरण में देखी है। तो जो उनके आचरण में देखी, जो हमने सबने महसूस की, मैं तो चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को जो है ज़्यादा छोटा ना करके सब लोगों के जो जो अनुभव है उसको बताने की कोशिश की जाए। तो वो जो चीज़ें हमने अनुभव की उनको यहाँ अच्छे से याद करना, बोलना और अपने जीवन में लेके आना। हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा साथी बैठे हैं, कि उनको प्रेरणा आए, वो उस रास्ते पर चलें और हम मतलब वैचारिक रूप से उनको अपने बीच में महसूस करना चाहते हैं, साथ लेकर चलना चाहते हैं। आदमी शरीर से जा सकता है लेकिन हम अगर अनुभव करेंगे तो उनके विचारों को हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। तो ऐसा प्रयास मतलब उन्होंने जो किया, जो बाबा साहब के बुद्ध की जो विचार जो उनको अच्छे लगे उन्होंने जीवन में अपनाए, मतलब जिसको हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, अच्छा क्या था उनकी वो समानता से देखते थे। उन्होंने जो रूढ़िवादिता से जो भेदभाव आ रहा था उस हीनता को अपने मन से भी निकाल दिया था और अपने समाज से भी निकालने का प्रयास कर रहे थे कि नहीं, हम सब आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने एक ऊंचा जो अपना स्थान था वो हासिल किया अपनी मेहनत के बल पे, विश्वास के आधार पर। अगर हम भी विश्वास रखेंगे तो हम, जैसा आपने अभी बताया कि दोनों बच्चों को वहाँ तक पहुँचाएंगे, तो वो भरोसा हमें होना चाहिए कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें जो हमारे हमसे आगे लोग होते हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये प्रेरणा का स्रोत तब ख़त्म हो जाएगा जब हम उनको ये मानना छोड़ देंगे कि ऐसा कोई आदमी था, ऐसे गया था, ये सब करते थे। तो हमको उन्हें रोज जीवित रखना है अपने घर में, अपने मन में, और जब भी कभी मौका हो तो उनके अच्छे गुणों की हमेशा चर्चा करें, बात करें, ताकि वो बार बार हमें याद आएँ और हम उनके तरफ आगे चलने का प्रयास करें। आज बाबा साहब नहीं है हमारे बीच में, लेकिन हम उनको बिल्कुल ऐसा समझते जैसे हमारे बीच में, क्योंकि हम उनके विचारों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, विचारों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे हम प्रोफेसर साहब को कह रहे हैं कि वो हमारे बिल्कुल नज़दीक है, नज़दीक का जैसे हम दुख समझते हैं ऐसी नज़दीक की प्रेरणा हम पे ज़्यादा असर करती है। तो आप सबसे यही मेरी प्रार्थना है कि जो भी हम उनके जीवन के विषय में समझते हैं, मैंने 2013 में जो उनके शब्द सुने थे, जो उन्होंने सामाजिक चिंतन बताया था कि हमारा जो रिजर्वेशन के बेस पर हमें इतना मिला है और हम केवल 7% अभी तक उसका हासिल कर पाए, तो कितना बच रहा है। वो शब्द मुझे लगा कि हाँ, इतना काम, मतलब हमारा समाज आरक्षण को लोग बर्बाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो पता नहीं, लेकिन अभी जो हमें चाहिए, जो हम कर सकते हैं, हमने भी तो नहीं किया। अगर मैं अपने यहाँ आसपास नज़र डालूं तो जो युवा साथी हैं वो सब क्या कर रहे हैं, परिवारों के बीच में कितनी ऐसी क्रूतियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ जिन्हें वे लेके चल रहे हैं। तो क्या हमारे प्रोफेसर साहब उनको पसंद करते थे, उनको मना करते थे ना, तो मना करते थे तो जब हम उनको छोड़ेंगे उनके अनुसार चलेंगे तभी तो हम उनको याद करते हैं। तो सीधा सीधा
चाहे दो बात में हम यहाँ से प्रण करके जाए कि हाँ उनकी ये आदर्श थे, वो इस तरह विचार करते थे, मैं भी ऐसा करूँ, तो शायद हम उनको सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, नहीं तो फिर केवल थोड़ा दिखावा है। तो हाथ जोड़ के सबसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि उनके अनुभव जो हम समझते हैं उनको रखें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो उनको उनको पालन कर सकते हैं। सभी को जब ही अनुभव है और परिवार को जो एक असमय मृत्यु से जो अपार दुख हुआ है उस दुख से ऊपर उभरने की शक्ति मिले और सब जो अपने मार्ग पर उस पर आगे चलने का प्रयास करें। जय।